नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। एक एनकाउंटर के दौरान आतंकी के साथ उसके घर वालों की बात कराई जाती है। घर वाले अपने बेटे को सरेंडर करने की सलाह भी देते हैं, लेकिन बेटा किसी की बात नहीं मानता और मारा जाता है। इस हाल में घर वाले न सिर्फ अपने बेटे को आतंकी मान लेते हैं, बल्कि उसकी लाश तक लेने से मना कर देते हैं। पूरा देश इस स्टैंड पर आतंकी के देशभक्त पिता और परिवार को सलाम करता है, लेकिन तीन रोज बाद अचानक मामले में नया ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट एनकाउंटर के एनकाउंटर का, घर वालों की नफरत के बीच बाहर वालों की हमदर्दी का। कि जो देश हित पर काम ना करे, हम ऐसे ऐसे बेटों को बेटा नहीं समझते, इसीलिए उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो लाश लेने से इनकार किया है, उन्होंने मुझे बहुत मजबूर दिखे, उनके ऊपर दबाव है, वो चाहते हैं अपना बयान बदलना, लेकिन उनको धमकी दी जा रही है। पुलिस ने बाकायदा काउंटर में मारा और वो सारे जग ने देखा कि साहब वो गतिविधियों में शामिल है, तो मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था। पूरा इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आतंकवादी घर के अंदर बंद है, उसके लड़के से उसके बाप का नंबर उस अधिकारी को कैसे मिला? जाहिर सी बात है, औलाद की मोहब्बत होती है आदमी के अंदर, और हम भी एक बाप हैं, हमको भी मोहब्बत थी, ऐसी बात नहीं है। और सिर्फ यही है कि अफसोस इस बात का हुआ हमको कि उसने ऐसा कदम उठाया जिसने हमको शर्मिंदा कर दिया। इस देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आरएसएस का जो एजेंडा, हिंदू मुसलमान को आपस में इस भाईचारा को, देश की संस्कृति को तबाह करने के लिए, उसको अखिलेश यादव की मास्टरमाइंड इसके हैं। मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात करीब 2:30 बजे तक लखनऊ का ये ठाकुरगंज जिला का गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने यूपी एटीएस के अफसर मकान के अंदर से फायरिंग कर रहे आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते रहे। एनकाउंटर में दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग होती रही और फायरिंग रुकने पर दीवार तोड़कर कैमरे के सहारे पुलिस वालों ने अंदर का हाल जानने की भी कोशिश की। और तो और, इस कोशिश में अंदर से फायरिंग कर रहे आतंकी से मोबाइल फोन पर उसके घर वालों की बात भी करवाई गई, ताकि वो टकराव का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दे। हमसे बात हुई है और मैं क्या कहते हैं फोन पे, मैं मुझको वहाँ के अधिकारियों ने बात कराई है और मैंने बात उसको फोन में कहने के सामने बोलने की बहुत बोला। मगर 11 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। यूपी एटीएस की गोलियों से मकान में छिपा आतंकी सैफुल्ला मारा गया। इसके बाद सैफुल्ला के पिता सरताज ने न सिर्फ अपने बेटे की लाश लेने से ही इनकार कर दिया, बल्कि ये कहकर एक मिसाल भी पेश कर दी कि जो इंसान मुल्क का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। मुझे तो फख्र इस बात का है, मुझे फख्र जो है इस बात का है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो दुरुस्त था, इसलिए कि वो जो मैंने डिसीजन लिया वो यही लिया कि क्योंकि उसकी उसको पुलिस ने बाकायदा काउंटर में मारा और वो सारे जग ने देखा कि साहब वो गतिविधियों में शामिल है, तो मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था। मगर 3 रोज गुजरते गुजरते अब इस मामले को सियासतदानों की ऐसी नजर लगी है कि जिस आतंक के खुरासान मॉड्यूल के फैलने से पहले ही उसे जड़ से उखाड़ने वाली पुलिस की हर तरफ तारीफ हो रही है, अब उसी पुलिस और उसके इस एनकाउंटर पर ही सवाल उठाए जाने लगे हैं। बल्कि सवाल भी क्या उठाए जा रहे हैं, यहाँ तो सीधे सीधे इल्जाम ही लगाया जा रहा है कि एनकाउंटर बिल्कुल फर्जी है, बकवास है। कि वो लड़का पहले से इनकी कस्टडी में था, अंदर जितने भी हथियार पाए गए वो पुलिस के थे, वो उसको होस्टेज अंदर किए हुए थे और अंदर फायरिंग लड़का नहीं कर रहा था, वो लोग कर करके ये दिखा रहे थे कि अंदर आतंकवादी है। अगर अंदर आतंकवादी होता और जितना हथियार पुलिस ने बरामद किया है एटीएस की फ़ोटो लगा करके, एटीएस यूपी के नाम से,
वहाँ ISIS का झंडा भी दिखाया गया है। ADG कह रहा है कि नहीं, ऐसा कोई हमें वो नहीं मिला है, तो वो झंडा कहाँ से आया? अब इसे आप हमारे लोकतंत्र की मजबूरी कह लें या फिर अभिव्यक्ति की आजादी का नाजायज फायदा, एक शख्स जिसका इस वाक्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जिसकी एनकाउंटर में मारे गए शख्स और उसके घर वालों से कोई वाकफियत तक नहीं, वो अचानक 3 रोज बाद प्रकट हो जाए और सामने से आकर न सिर्फ मजहब के नाम पर इस एनकाउंटर को झुठला दे बल्कि आम लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले पुलिस वालों के साथ साथ पूरे सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए, और तो और उस बाप को भी नकार दे जिसने अपने बेटे को खोने के बावजूद मुल्क की मोहब्बत में कलेजे पर पत्थर रख लिया और नालायक और गद्दार बेटे की लाश तक लेने से इनकार कर दिया। अफसोस नहीं बल्कि समझिए कि वो हमने इसीलिए उसकी लाश लेने तक इनकार कर दिया। हमने कहा भाई ऐसा है कि हम जो आदमी हमारा बाप का कहना ना माने तो ऐसे चाहते हैं अपना बयान बदलना, लेकिन उनको धमकी दी जा रही है, मैंने उनको महसूस किया है, वो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही हिम्मत पैदा करेंगे। लेकिन गाड़ियों के काफिले के साथ माहौल बनाते हुए कानपुर में सरताज के घर पहुंचने और फिर घर वालों की मिजाज पुरसी करने के बाद उन्हीं के घर के बाहर तकरीर करने वाले राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के इन मौलाना साहब की बातों में कितना दम था, ये उनके पीछे मुड़ने के चंद घंटों के अंदर ही साफ हो गया जब एक बार फिर मीडिया ने आतंकी सैफुल्ला के पिता सरताज अहमद और उनके घर वालों से बात की। वो न सिर्फ अपने पुराने स्टैंड और दावे पर कायम नजर आए बल्कि दो टुक कह दिया कि मौलाना की ये बयानबाजी सिवाय सियासत के और कुछ भी नहीं। उनके कहने से क्या होता है, वो तो जनता है, वो तो नेता लोग हैं, वो कुछ भी कहें। मामला हमारा था, मामला हमारे बेटे से संबंधित था, मैंने जो बयान दिया बहुत सोच समझ के दिया है और इसको देश में इसी बात का मैंने संदेश पहुंचाया है देश के लिए कि कम से कम लोग जागरूक हों, हमारे जैसे लोग हिम्मत करके आगे आए जिससे कि क्या कहते हैं आतंकवाद खत्म हो। और ऐसे में जिस बाप को पूरे मुल्क ने पहले भी सलाम किया, अब इस कीचड़ उछालने वाले सियासी ड्रामे के बाद उनके निखरते किरदार को देश एक बार फिर से सलाम कर रहा है। सलाम सरताज साहब, सलाम। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी ने एनकाउंटर को फर्जी तो करार दिया, पुलिस के काम करने के तमाम तौर तरीके पर सवाल भी खड़े कर दिए, यहां तक कि एनकाउंटर में दोनों तरफ से 11 घंटे तक हुई गोलीबारी को भी महज पुलिस का ही फ्रेंडली मैच करार दे दिया। लेकिन यह सब कहने से पहले एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्ला के घर वालों को भरोसे में लेना भूल गए। नतीजा यह हुआ कि इधर मौलाना साहब मुड़े और उधर घर वालों ने उनकी सारी बातों को खारिज कर दिया। सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाओ, सैफुल्ला के साथ खड़े हो, आतिफ की मार हो रही है, आतिफ के साथ खड़े हो जाओ, ये लड़ाई लड़ो, तुम्हारा पैसा तुम्हारा रुपया कोई काम नहीं आएगा, मैं लड़ रहा हूं, अगर नहीं आ सकते मेरा साथ दो। जनाब अभी मंगलवार को लखनऊ में हुए एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्ला के घर वालों से मिलकर निकले हैं, बड़े जोश में हैं और इसी जोश जोश में ये तकरीर भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कैसे देश में पुलिस और सरकारों ने मिलकर एक खास तबके के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, कैसे उन्हें साजिशन नाजायज तरीके से फंसाया जा रहा है और कैसे वो अकेले ऐसे हिम्मत वाले हैं जो इन मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन बेईमानों से लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? लेकिन इन जनाब की इस जोशीली तकरीर और इनकी बातों में कितना दम है, अब आइए ये आपको खुद सैफुल्ला के घर वालों की जुबानी सुनाए देते हैं। सुनाए देते हैं कि सैफुल्ला के पिता सरताज ने किसी दबाव में अपने बेटे की लाश लेने से इनकार किया था या फिर ये उनके दिल की आवाज थी। लेकिन अफसोस है कि मतलब उसने अफसोस नहीं बल्कि समझिए कि
वो हमारे हमने इसीलिए उसकी लाश ट्रेनिंग सेक्शन कर दिया। पुलिस आई थी आपके यहाँ? आई थी सुबह। हाँ, हमने कहा भाई ऐसा है कि हम जो आदमी हमारे हमारा बाप हमारा कहना ना माने, अपने बाप का कहना ना माने, जिसके लिए एक बार मेरे पापा ने एक बार कह दिया कि क्या कहते हैं, वो अगर नहीं लेना है तो नहीं लेना है, तो उसी उस और जो जो फैसला हो गया तो वो किसी दबाव में नहीं था। नहीं, कहने की जरूरत नहीं कि सियासी गोटी लाल करने के चक्कर में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी शायद मारे गए आतंकी सैफुल्ला के घर वालों को भी भरोसे में लेना भूल गए, या फिर यूं कहें कि उनके भरोसे और इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी की परवाह किए बगैर ही शुरू हो गए, और इसी मुगालते में शायद बढ़ चढ़ कर बयान देते रहे कि वो जैसे ही मजहब की लाइन पर फिरका परस्ती की बातें करेंगे लोग उन पर आंख मूंद कर यकीन करने लगेंगे। इस देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आरएसएस का जो एजेंडा, हिंदू मुसलमान को आपस में इस भाईचारा को देश की संस्कृति को तबाह करने के लिए, उसको अखिलेश यादव की मास्टरमाइंड इसके हैं और ये अपने पुलिस कर्मियों से ये काम करते हैं। लेकिन मौलाना साहब अगर यहीं रुक जाते तो गनीमत थी, उन्होंने तो पुलिस सियासत सत्ता सिस्टम किसी को नहीं बख्शा, ऐसी तस्वीर खींची जिसे देखकर लगे कि अब किसी से कोई उम्मीद बची ही नहीं है। इस मुल्क में पुलिस से हमारा एतमाद उठ गया है, सरकारों से हो गया है। मेरा साफ कहना है कि इस मुल्क में ना कोई हिंदू आतंकवादी है ना कोई मुसलमान आतंकवादी है, यहाँ पर सरकारें आतंकवादी हैं। लेकिन लफाजी से हटकर उन्होंने जिस तरह अपनी सोच और समझ के हिसाब से एनकाउंटर तक को शक के दायरे में लाने की कोशिश की वो भी कम नहीं थी। मौलाना साहब ने पूछ लिया कि आखिर मकान में छुपे आतंकी से उसके बाप का नंबर कैसे मिल गया। अब इन मौलाना साहब को कौन समझाए कि आतंक के इस मॉड्यूल का पीछा चार सूबों की पुलिस पिछले दो महीनों से कर रही थी, और यही वजह थी कि शाजापुर में हुए धमाके के फौरन बाद न सिर्फ सैफुल्ला घिर गया बल्कि उससे पहले ही उसके साथी एमपी और कानपुर में पकड़ लिए गए। और तो और मौलाना साहब ने यहां तक इल्जाम लगा दिया कि उस मकान में हथियारों से लेकर आईएसआईएस का झंडा तक एक एक चीज पुलिस की थी, और ये सब पुलिस ने ही वहां प्लांट किया था, यहां तक कि पुलिस अंदर से भी गोली चला रही थी और बाहर से भी। जाहिर है मौलाना आमिर रशादी कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं और अब कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन वो जब कोर्ट जाएंगे तब जाएंगे। फिलहाल उनकी बेसिर पैर की बयानबाजियों की वजह से खुद कानपुर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एनकाउंटर को फर्जी बताकर कैसे कानूनी शिकंजे में घिरे मौलाना, बस इस ब्रेक के बाद। लखनऊ में हुए एनकाउंटर को फर्जी बताने के सिलसिले में उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी कुछ इतनी आगे निकल गए कि हर किसी को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया, पीएमसीएम से लेकर पुलिस वालों तक को नहीं बख्शा, और कई ऐसी बातें तक कह डाली जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ थी। नतीजा ये हुआ कि अब पुलिस खुद उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एक तरफ आतंकी सैफुल्ला के घर के बाहर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी की ये तकरीर, और दूसरी तरफ कानपुर के चकेरी थाने में चलती पुलिस की ये गहमागहमी। लखनऊ के ठाकुरगंज में हुए एनकाउंटर को गलत ठहराने की कोशिश में मौलाना साहब कुछ इतना ज्यादा बोल गए कि कब कायदे कानूनों के दायरे से बाहर निकल गए खुद उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन यहाँ चुनावी आचार संहिता के बीच कानपुर पुलिस उन्हें वॉकओवर देने के मूड में कतई नहीं थी, लिहाजा इधर मौलाना साहब ने अपनी राह पकड़ी और उधर उनके बयानबाजियों के वीडियो फुटेज निकालकर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया। फिलहाल हालत यह है कि कानपुर में धार्मिक उन्माद फैलाने, चुनावी आचार संहिता के दौरान सरकारी आदेश का उल्लंघन करने, संवैधानिक और सरकारी पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने संबंधी कई गुनाहों में पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ये आज आए थे और इसके अंदर जो है पुलिस की प्रेजेंस भी वहाँ पे थी,
उसके बाद में इन्होंने जो है तकरीबन 100 के करीब में लोगों को बीच में जा करके पब्लिक स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, जिसमें धार्मिक भावनाएं जो है भड़काई गई है। उसके अलावा जो है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ में भी कुछ उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी है, उसको लेकर के जो है मुकदमा थाना चकेरी के अंदर पंजीकृत किया जा रहा है और उसके वीडियो को जो है उसके कंटेंट को एनालिसिस किया जा रहा है, उसके हिसाब से जो है धाराएं उसमें लगाई जाएगी और इनके विरुद्ध में कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि अब इस किए के बदले जल्द ही मौलाना साहब को कानून के सवालों का भी सामना करना होगा और अगर जवाब सही नहीं मिले तो सजा भी भोगनी होगी। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए